हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे मैथ्स का आरआईएमसी का। और बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट दी थी कि सर आप मैथ्स का भी बताइए सिलेबस, ठीक है। तो मैं आज मैथ्स का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इंग्लिश का आई हैव ऑलरेडी मेड, फिर इसके बाद एक जीके का वीडियो अलग से बनाऊँगा, ठीक है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आरआईएमसी के लिए आपको मिलेंगी। ओके, चलो लेट्स कम टू मैथ्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आरआईएमसी मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है। सो इनिशियल इट इज़ नंबर सिस्टम, देन वी हैव एलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ इक्वेशंस एक्स की पावर 2 वाली भी आती हैं, जिनको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। बेसिकली फैक्टराइजेशन में भी उसका रोल है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन, उसके बाद इमीडिएटली आई हैव रिटन फैक्टराइजेशन। अच्छा, आफ्टर दैट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी हर साल क्वेश्चंस आते हैं। एज अ टूल हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं अदर चैप्टर्स में, ठीक है। सेम गोज़ फॉर परसेंटेज ऑल्सो, ठीक है। परसेंटेज को भी हम एज अ टूल यूज़ करेंगे अदर चैप्टर्स में। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद यूनिटरी मेथड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव मेड वन वीडियो बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड बेटा। इट कवर्स 20% ऑफ योर सिलेबस, सो इट्स नॉट अ जोक। यूनिटरी मेथड अगर आप कर लेते हो तो ईजिली यू कैन डू अराउंड 20% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ओके, देन एवरेज इज देयर। एवरेज इज वेरी सिंपल, इफ़ यू नो द बेसिक फंडा एंड द फॉर्मूला एज वेल एज द लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, यू कैन ईजली सॉल्व एवरेज क्वेश्चन। फिर परसेंटेज है, मैंने बताया था आपको कि हम परसेंटेज को एज अ टूल यूज़ करते हैं अदर चैप्टर्स में। तो आपको परसेंटेज का फंडा एकदम अच्छे से आना चाहिए। देन वी हैव एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई वाले, ठीक है। इस बार भी आरएमसी में पूछे गए थे। फिर एज अ टूल आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स आना चाहिए, क्यूब एंड क्यूब रूट्स आना चाहिए, ठीक है। ये कोई डिटेल चैप्टर्स तो नहीं है, लेकिन एज अ टूल बहुत सारे अदर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। देन वी हैव आइडेंटिटीज़, अगेन आई हैव मेड वन वीडियो बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़, ठीक है। डू वॉच दैट वीडियो, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेमोराइज दोज फॉर्मुलेज और आइडेंटिटीज़, ओके। और फैक्टराइजेशन में उसका बहुत रोल है, उसके अलावा अदर चैप्टर्स में भी। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अगेन थोड़ा सा परसेंटेज का कंसेप्ट है। देन वी हैव डिस्काउंट, ठीक है। हमेशा आप देखोगे आरएमसी में विल फाइंड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देन वी हैव टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है। सेम फंडा है, ठीक है। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। सिमिलरली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पर सिर्फ टाइम एंड स्पीड लिखा हुआ है। देन उसी का पार्ट है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। थोड़ा सा हटके है, बच्चों को थोड़े से कंसेप्ट बताने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ईजी है। देन वी हैव रेसेस एंड गेम्स, ठीक है। तो रेसेस वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, ट्रैक वाले, सर्कुलर ट्रैक एंड ऑल, ठीक है। तो उसमें भी दो तीन क्वेश्चंस बच्चों को बताने पड़ते हैं वैरायटी। देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन द रोल ऑफ परसेंटेज कम्स इन टू पिक्चर हियर ऑल्सो, ठीक है। अगेन इट्स वेरी ईजी, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आरएमसी में, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, बट लेस एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। देन वी हैव ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में यू शुड नो अबाउट लाइन्स, स्पेशली पैरेलल लाइन्स एंड ऑल, और उसकी प्रॉपर्टीज़। इस बार भी क्वेश्चन आया था एंगल्स, ट्राइंगल्स, ठीक है। देन यू हैव पॉलीगन्स, पॉलीगन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीगन्स की जो आपको मालूम होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली इसमें क्वाड्रिलेटरल्स इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। तो ये जो मैं पॉलीगन्स की बात कर रहा था, तो उनका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें ट्रैपीजियम है, रॉम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरलोग्राम है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उनका पैरामीटर भी आता है। देन वॉल्यूम, ठीक है। तो जितने भी फिर 3D फिगर्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, ठीक है, इन सब के वॉल्यूम निकालने के लिए आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेंसुरेशन से यूनिटरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। फाइनली आपने फिर यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है। तो एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो दैट इट कवर्स 20% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो जितने भी आप मेंसुरेशन के 10-10 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे, डेफिनेटली एट द एंड वहाँ पर यूनिटरी मेथड यूज़ हुआ होगा। सो देन एरिया ऑफ सेक्टर इज़ देयर, वेरी इजी। सेक्टर इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सर्कल। देन शेडेड पोर्शन, हर साल क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन शेडेड पोर्शन। पाई चार्ट इज़ देयर, ग्राफ इज़ देयर,
पाई चार्ट से भी इस बार क्वेश्चन आया था जो थोड़ा सा ट्रिकी था. इट वॉज नॉट ट्रिकी बट कैलकुलेशन वाइज डेसिमल्स में बच्चों का आंसर आ रहा था तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था. देन प्रोबेबिलिटी इज देयर आता है क्वेश्चन, एक दो बार पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था तो बेसिक कंसेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू फाइंड इट न्यूमेरिकली. सेट्स, अगेन सेट्स से भी क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए हैं. देन देर आर वेरियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, जिनको मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ऑन एलजेब्रा कहता हूँ, क्योंकि इसमें हमने एक वेरिएबल लेना पड़ता है एक्स, और जो भी क्वेश्चन में हमें दिया होता है उसको हमने मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आरएमसी का पुर्निंदु वाला, जिसमें हुक्म है, करण है, पुर्निंदु है, ठीक है. दैट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है. देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड बच्चों से पूछा भी गया एक बार. देन वी हैव कॉमन पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल बेटा. कॉमन पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल का मतलब है ट्राइंगल के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं और बच्चों से पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेंट्रॉयड, वी हैव ऑर्थो सेंटर, वी हैव इन सेंटर, वी हैव सर्कम सेंटर, क्या होता है, कैसे बनाते हैं. और कंस्ट्रक्शन में भी एक क्वेश्चन आया बच्चों का बेस्ड ऑन इट, ठीक है. सो आई हैव नॉट रिटन कंस्ट्रक्शन, सो ऑल्सो मैंशन हियर कंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन नीचे मैंशन कर लेता हूँ. कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अच्छा, देन एट लास्ट इंटेलिजेंस में से, ठीक है. इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ जीके, मैंने यहाँ पर क्योंकि यहीं पर मैंशन किया है, बट इंटेलिजेंस आपसे जीके में पूछा गया है. इस बार भी एक क्वेश्चन आया था जॉन सीरीज दैट वी डिस्कस्ड ऑल्सो इन द जीके सॉल्यूशन, ओके. तो इसमें कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ फिगर पैटर्न्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज ओनली द डिटेल्ड सिलेबस. अगेन द एग्जाम इज़ वेरी इजी, ठीक है. आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो डाउट्स हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इस यूट्यूब के ज़रिए. कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए और डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बेटा. ऑल द बेस्ट.